Good morning. Today we are going to do exercise 8.4 from question number 5. Read the question in your book. Question number 5. A TV set is sold for ₹21,500 and its cabinet for ₹800. यानी एक टीवी सेट है उसकी एपी एसपी यानी एसपी होती है जिसपे बेची जाती कोई चीज तो उसको सोल्ड किया है एक टीवी सेट को 21,500 रुपीज में यानी एक टीवी सेट को बेचा है 21,500 रुपीज में और साथ में कैबिनेट तो ऐसे इसमें साथ में कैबिनेट जो है बोल रहा है एक कैबिनेट जो है उसे बेचा जा रहा है सोल्ड किया जा रहा है 1,800 रुपीज के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है एट सच सेट कैबिनेट आर सोल्ड ऐसे एट कैबिनेट सेट मतलब टोटल सेट बेचा गया कैबिनेट सेट का मतलब है टीवी भी और कैबिनेट भी तो यहाँ पे वन टीवी सेट की कॉस्ट ये है तो एट टीवी सेट यानी आठ टीवी सेट की कॉस्ट कितनी होगी मल्टीप्लाई कर दो एट से गुणा कर दो 21,500 × 8 इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर आएगा ये ठीक है 1,72,000. नेक्स्ट है एसपी ऑफ ए कैबिनेट एक जो कैबिनेट है उसकी अपनी जो सोल्ड किया था बेचा था उसे था 1800 में तो 8 कैबिनेट की कॉस्ट हो जाएगी 1800 × 8 इज इक्वल टू 1,40,400 रुपीज तो टोटल एसपी हो जाएगी 8 टीवी सेट की कॉस्ट और 80 कैबिनेट की कॉस्ट दोनों को प्लस किया तो कितना आ रहा है 1,86,400 रुपीज ये आपकी बुक में जो आंसर है वो रॉन्ग है. नेक्स्ट है अब ये बोल रहा है साथ में कि उसने वन टीवी सेट को खरीदा था यानी मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी सेट इज 13,500 यानी इसकी कॉस्ट प्राइस 13,500 है वन टीवी सेट की तो 8 की कितनी हो जाएगी इंटू 8 कर दो इससे तो 13,500 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1,08,000. नेक्स्ट है ऐसे ही वन कैबिनेट का कॉस्ट प्राइस जो था वो है 1,250 तो ऐसे ही 8 कैबिनेट की कॉस्ट हो जाएगी 1,250 × 8 कितना हो गया 10,000 रुपीज तो इसकी टोटल सीपी हो जाएगी 8 टीवी की कॉस्ट और 8 कैबिनेट की कॉस्ट इन दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया 1,18,000. ये हो गई हमारे पास में टोटल सीपी और टोटल एसपी. अब देखो आप एसपी ज्यादा है और सीपी कम है तो एसपी जब ज्यादा होती है तो एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट तो यानी एसपी जो उतना आया है अपना 1,18,000 यहाँ पर 1,86,400 उसमें से माइनस कर दो 1,18,000 तो आंसर आ रहा है आपका माइनस करने पर ये आपका 68,400 रुपीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपकी बुक में ए डिफेक्टिव टाइटन वॉच मतलब डिफेक्टिव है खराब टाइटन वॉच है थोड़ा सा नुकसान उसमें उसकी कॉस्ट है 1,550 इतनी रुपए की इसकी कॉस्ट है 1,550 रुपीज की और इसको सोल्ड किया है बेचा है इसकी एसपी है 1,325 तो जब आप ज्यादा में खरीद रहे हो और कम में बेच रहे हो यानी कि ज्यादा में आप बाय कर रहे हो और सेल कर रहे हो आप कम में तो होता है लॉस तो यानी लॉस के लिए फॉर्मूला हो गया सीपी माइनस एसपी तो 1,550 में से माइनस कर दीजिए 1,325 तो आंसर आता है आपका 225. क्वेश्चन नंबर सेवन है ए बॉक्स कॉस्ट ₹670 वन बॉक्स की कॉस्ट है 670 रुपीज इसका इफ इट इज पेंटेड एट कॉस्ट ऑफ ₹45 इसको पेंट करने पर कॉस्ट लगी है 45 रुपीज की और ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो है ट्रांसपोर्ट पर कॉस्ट लगी है 25 रुपीज तो जब सीपी निकलती है तो उसमें जितना भी खर्चा हुआ है जो भी कॉस्ट हुई है वो सारी प्लस होती है तो इसका बॉक्स की कॉस्ट इसमें पेंट करने का खर्चा इसका ट्रांसपोर्ट का जो भी कॉस्ट है वो सारा प्लस हुआ तो ये तीनों सबको प्लस किया तो कितना आ रहा है 740 रुपीज तो ये हो गई है टोटल सीपी 740 रुपीज. आगे ये बोल रहा है इट इज देन सोल्ड ऑफ रुपीज 1,120 यानी 1,120 रुपीज में इसको सोल्ड किया यानी एसपी हो गई तो अब एसपी ज्यादा है सीपी कम है तो एसपी माइनस सीपी
और जब एस पी ज्यादा होता तो होता है प्रॉफिट। तो यानी कि 1120 यानी 1120 में से 740 माइनस कर दो तो प्रॉफिट हो जाएगा 380 रुपीस का। क्वेश्चन नंबर 8, अ मैन सेल्स हिज ओल्ड कार ऑफ रुपीस 45,900। एक आदमी है उसने अपनी ओल्ड कार को सोल्ड किया है, बेचा है 45,900 रुपीस में, उसमें उसे प्रॉफिट मिला है 2,100 रुपीस का। तो अगर 2,100 रुपीस का प्रॉफिट लिया है उसने तो इसका मतलब है सीपी क्या हो गई, इसमें से माइनस कर दो तो सीपी हो गई उसकी, यानी उसने कितने में खरीदा, इसमें से ये प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो 45,900 में से 2,100 माइनस किया तो सीपी आ गई 43,800 रुपीस। ये हो गई इसकी सीपी यानी उसकी कोस खरीदी। अब ये बोल रहा है उसने लिया तो इसलिए था सेल्स करी थी कि वह इतना प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन उसने इसे सोल्ड किया 53,670 यानी बोल रहा है कि अगर वो इसको इतने रुपए में सोल्ड करे, बेचे, सेल करे तो यानी कि उसकी न्यू एसपी हो जाएगी 53,670। अब उसकी न्यू एसपी ये हो गई, सीपी ये हो गई, ज्यादा हो गई एसपी, तो एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो यानी जो भी एसपी नया था 53,670 उसमें से माइनस कर दो सीपी, सीपी कितनी है अपनी 43,800 माइनस किया तो न्यू प्रॉफिट जो निकला वो निकला है 9,870 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट में से बोल रहा है हाउ मच मोर प्रॉफिट वुड ही हैव गॉट, कितना प्रॉफिट उसे और ज्यादा मिला। तो कितना ज्यादा मिला है ये निकालने के लिए आप ये 9,800 मैंने निकाला नहीं है, ये आप खुद निकाल लीजिएगा। 9,870 में से आप माइनस कर दीजिएगा 2,100 तो पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा और ज्यादा प्रॉफिट उसे मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 1,000 कॉपीज ऑफ अ बुक यानी कि 1,000 बुक्स जो है उसे सोल्ड के सेल किया गया है अ लॉस ऑफ रुपीज 520 यानी उनको जब आप सेल किया तो उस पर लॉस हो गया 520 रुपीज का। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है वन बुक की कॉस्ट है 10.50 यानी 10 रुपीज 50 पैसे। तो अपन 1,000 बुक की टोटल कॉस्ट निकालने सीखी तो 1,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल 1,000 बुक्स की कॉस्ट हो जाएगी 10,500 रुपीज। पॉइंट लगे टोटल से जाके अब लॉस हुआ उसे 520 रुपीज का, तो एसपी माइनस जब लॉस होता है तो एसपी ज्यादा होता है, सॉरी सीपी ज्यादा होता है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे एसपी निकालना अपने को, तो एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, सीपी में से लॉस माइनस कर दो, सीपी कितना है इसका 10,500 माइनस लॉस कितना है 520, तो इसमें से ये माइनस कर दिया तो 9,980 रुपीज एसपी आ गई। अभी कितने रुपए में उसने लॉस खाके और उसको सेल किया है, उसे बेचा है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप सेल्फ करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।